श्री कृष्ण को किसने दी बांसुरी। द्वापर युग का समय चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाविष्णु अपने आठवें अवतार में जन्म ले चुके थे। सभी देवता, भगवान, सुर, ऋषि मुनि भेष बदल कर एक एक करके बाल कृष्ण से मिलने आ रहे थे। वे देख भगवान शिव के मन में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर वे ये सोचकर रुके हुए थे कि बाल कृष्ण को उपहार के रूप में क्या दिया जाए जिसे वह हमेशा अपने पास रख सके। तब शिवजी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि दधीची की वज्र की अस्थि रखी हुई है। ऋषि दधीची वह ऋषि हैं जिन्होंने राक्षस एवं असुरों के संहार के लिए अपनी आत्मा त्याग कर अपनी वज्र की हड्डियां देवताओं को दान में दी थी, जिससे ऋषि विश्वकर्मा ने कुछ हथियार बनाए थे। उस बची हुई एक हड्डी को तराश कर भगवान शिव ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वह भगवान कृष्ण से मिले तब उन्होंने वही बांसुरी उन्हें भेंट कर दी। वो सुंदर भेंट कृष्ण भगवान को बहुत पसंद आई। शिव और कृष्ण भगवान के बीच स्नेह देखकर उस दिन देवताओं ने भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला इस नाम से गौरवान्वित किया। उस बांसुरी को ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार के अधिक समय हमेशा अपने साथ रखा। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।